गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर एम्स में आयोजित स्वस्थ पूर्वी उत्तर प्रदेश एक पहल की 3 दिवसीय संगोष्ठी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। कहा, बीमारियों का सबसे बड़ा उपचार होता है बचाव, सेकेंडरी होता है इलाज। एम्स जिसके लिए जाना जाता है उसे अपनी भूमिका में आना होगा आगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की निर्माण कंपनियों को मिट्टी की उपलब्धता कराएं सुनिश्चित। सीएम योगी ने किया गोरखपुर एक्सप्रेसवे कमरिया घाट पर घाघरा पुल निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण। कहा, मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। लखनऊ से गोरखपुर तक मिलेगा एक और वैकल्पिक मार्ग। यूपीडा के अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। पूर्वांचल को बनाएंगे देश का समृद्धतम क्षेत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पूर्वांचल का सतत विकास मुद्दे, रणनीति एवं भावी दिशा विषयक राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी का शुभारंभ। कहा, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से नहीं, खुद करना होगा अपना विकास। इसके लिए जोड़ना होगा स्थानीय युवाओं, किसानों और शिल्पकारों को। जीवन में पिछलग्गू नहीं नजीर बने। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन में बोले सीएम योगी। कहा, खुद को देश और समाज के लिए बोझ नहीं बनाए उपयोगी। शताब्दी वर्ष में परिषद की हर शिक्षण संस्था को उत्तर भारत में बनाए नजीर। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा, वैदिक काल से ही ज्ञान पिपाशु होने के नाते विश्वगुरु रहा है भारत। जल शक्ति मंत्री सिंचाई विभाग डॉक्टर महेंद्र सिंह ने राप्ती नदी के तट पर निर्माणाधीन घाटों का किया निरीक्षण। कार्यों की धीमी गति पर जताई नाराजगी। कहा, कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा, पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होगा यह 3 दिवसीय वेबिनार। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के साप्ताहिक समारोह के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य अतिथियों ने किया राष्ट्रीय संगोष्ठी के शोध पत्रों पर केंद्रित पुस्तक भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रसार एवं माधवेंद्र राज द्वारा लिखित पुस्तक उत्पादन प्रबंधन, उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं प्रोडक्शन मैनेजमेंट का किया लोकार्पण। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले 32 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,411। अब तक 328 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 411 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक साप्ताहिक समारोह के समापन अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा किया गया पुरस्कृत। महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस को मिला श्रेष्ठतम संस्था का गुरु श्री गोरक्षनाथ स्वर्ण पदक पुरस्कार। और विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया मानवाधिकार संगठन के तत्वाधान में आयोजित हुआ जन जागरूकता कार्यक्रम। मानवाधिकारों के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। कोरोना वॉरियर्स को भी किया गया सम्मानित।